बाबू मान, वो सस्ता बाबू मान। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा रहा? बोहिमिया। मित्रादी छतरी तोड़ गई तू। तो गाइस मैं निकल गया हूँ कहीं जाने के लिए, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अपने चाचा के यहाँ गाँव। थोड़ा सा वहाँ पे शादी वगैरह है तो घूम रहा हूँ, तो यहाँ से सीधा मैं पहले निकलूँगा कहान के लिए, वहाँ से ऑटो पकड़ूंगा सीधा पावड़ा, पावड़े से सीधा गजल उतरूंगा वहाँ पे मेरा। तो इस संडे साथ मैं मैच भी नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तो मैं मिस करूँगा कागन जीजी की टीम को। और फिर नेक्स्ट संडे मैं खेलता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा ऑटो पकड़ूंगा पावड़े के लिए। तो चलते हैं सीधा फोर वेज पे और वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं। जाने से पहले मैं खरीदता हूँ एक चश्मा, तो क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है तो थोड़ा सा उससे कंफर्ट फील होता है कि धूप लगती नहीं कि तेज पड़ रही है। तो अपनी दोस्त की दुकान पर आया और चश्मा लेता हूँ एक अच्छा सा। अरे एक, अरे वो चश्मा दिखा था यार कोई बढ़िया सा, कोई काहे के पैसे पहले चश्मा वही जो मेरे खूबसूरत चेहरे पे अच्छा लगे है कोई बढ़िया सा। कौन सा ये चश्मा लग रहा है ये? अरे तो बच्चों वाला थोड़ी चाहिए। वो ब्लैक सा दिखा बढ़िया सा। ये चश्मा कैसा लग रहा है? ये वाला चश्मा कैसा लग रहा है इस बताओ जरा? ये ब्लैक में दिखा ना थोड़ा, ये थोड़ा कैसा लग रहा है? ब्लैक वाला ना, टोटल ब्लैक हो जो पूरा ब्लैक हो। और इसमें भी तो वान वान चिल रहा है। ये वाला अबे नहीं, ये तो वैसा हो गया जैसे हल्दी का कलर होता है, मेरे को ज़रा पीला पीला दिखाई दे रहा, ब्लैक दिखा टोटल। इसमें ब्लैक होगा इसमें प्रॉपर, ये लग रहा था मेरे को। यार ये भी ब्लैक नहीं है भाई, मेरे को बिल्कुल ब्लैक चाहिए, दिखने ना बिल्कुल कितना बेकार। कौन सा तेरे पास कोई ब्लैक ही चश्मा है यार? अब सब फट जाते हैं यार ये। यार यार मुझे बिल्कुल ना ब्लैक नहीं भाई। काफी सारे चश्मे देखने के बाद मेरे को ये पसंद आया, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक हुआ बट सही लग रहा था तो मैं ले लिया ये। तो मैं ये चलता हूँ फोटो पकड़ता हूँ। थैंक्स ब्रो मुझे चश्मा देने के लिए, कोई अच्छा सा है। और बताओ कुछ क्या गर्लफ्रेंड? और बताओ क्या चाहिए? बस इतना दे दिया और तो कुछ देना पाओगे तो हम चाहिए भी होगा तो चलो चल क्या चल बाय चल रहे हैं। मैं पहले पूछूंगा यहाँ पे कि डायरेक्ट गजरोला के लिए मिलता है तो मैं डायरेक्ट बैठूंगा, कोई मैजिक वगैरह चलती है और जो ऑटो के साथ पावड़े तक जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, अगर मैजिक ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वहाँ पर जाकर मैं दिखाता। मैं जिस गाड़ी से आया था उसकी हो गई CNG ख़त्म, तो वो CNG भरवाने के लिए गया तो मैं थोड़ा सा यहाँ वेट कर रहा हूँ। टैक्सी है चलते हुए, गर्मी बहुत पड़ रही है और मैं एयरफोन और एयरफोन तो ऐसे लेकर आया था जैसे मैं मेरे कितना लंबा सफर काटूंगा और जाऊंगा कि मतलब गाने सुनते जाऊंगा, पर एयरफोन की जरूरत ना पड़ी। तो मेरी मम्मी ने दो पराठे बांध दिए अलग के खाता रही, मैंने कहा मम्मी दिल्ली थोड़े जा रहा हूँ ये जो बात तो, पर पता ही है मम्मी तो ऐसी होती हैं, तो उन्होंने भर दिए थे तो मेरे पेट में नहीं बैग में दो पराठे बांध दिए थे कि खा के दो जल्दी। तो मैं सीधा गजरोला जाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ, मिलते हैं चलो गजरोले, तब तक के लिए बाय। और फाइनली मैं गजरोला उतर गया हूँ और यहाँ पे क्योंकि काफी एक डेढ़ घंटे का रास्ता था यार, मतलब के CNG भी खत्म हो गई थी बीच में तो टाइम लगा और गर्मी बहुत पड़ रही है। और अब मैं यहाँ गया था सीधा लूट पबजी खेलने नहीं आया हूँ, जो मैं कोचिंग की और कैसे आया उतरूँगा एक गांव है लूट उस तो वहीं जाऊँगा। तो पहले मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ऑटो क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई लेने जाएगा मेरे को। अरे अंकल जो ये लूट वाला रास्ता है वहाँ उतरना है मेरे को, पूछ लेता हूँ फिर।
और इन्होंने अंकल ने मना कर दी। अरे अंकल लूट वाले रास्ते पे चलो क्या? लूट वाले पे चलो। हाँ खास चोरा ना, मेरे को यहीं पे था ना लूट वाले चोरा, मतलब जहाँ से लूट तो लिए ऑटो वगैरह मिलते थे पहले, आप नहीं मिलते हैं। बैटरी वाला ऑटो मिल गया तो मैं आप जाऊँगा ऑटो मिलते थे, पर वहाँ पर मैं ऑटो मिला वहाँ पर मेरा भाई खड़ा हुआ है तो वही लेके जाएगा मेरे को, तो वो वेट कर रहा होगा उसके साथ में जाके मैं देखता हूँ, वहाँ पर जाके बताता हूँ। भाई अपना कमरा और ये मेरा भाई, बचपन में बहुत खेले हम साथ में। है भाई तो मेरे बचपन में कितना खेलते थे यहाँ पे, पहले यहाँ पे कुछ नहीं आता, अब ये बन गया है और यहाँ पे ना चूल्हा जलता था, तो जहाँ पे बाथरूम वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे खाना खाते थे हम। और ये सामने वाला घर भी अपनी है, तू जब आया था ना घर पे तो मैं ऑफिस में था उस टाइम, तो उसके बाद क्या क्या तो बताता हूँ। बढ़िया है हाय। बाबूमान वो सस्ता बाबूमान, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा रहा? बोहेमिया छतरी तो तुम्हारी उड़ी लग रही है पालो की। नाम तेरा बता, क्या नाम है? दद्दू भैया। क्या नाम? मोहित। मोहित नाम है तेरे पापा का या पुनित? मोहित कांग ना गाली नहीं देते, कहते हैं बुरे बच्चे होते हैं गाली देते हैं। और हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, इधर मैं तो काफी टाइम बाद आया हूँ, इधर पता नहीं ग्राउंड कैसा है, पर खेलेंगे डिस्टेंस से। तो भैया यहाँ का कैप्टन तो यही है, ये वाली बॉल कहाँ किधर है ग्राउंड? इधर ग्राउंड आपको इधर चलना पड़ेगा। और कौन कौन है अपनी टीम में? आंखों के सामने चार जने बस, फिर से खरीद दो सस्ते प्लेयर। ये सही है पटाखा भाई, छोड़िए दोबारा, चलो ग्राउंड पे मिलते हैं तब तक। ये भाई अपना डॉक्टर और गाय भैंस सस्ते प्लेयर गली प्लेयर। प्रियांशु कैसे पढ़ा नीचे? ओ, तो से